बुरहानपुर जिले के नावरा क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अतिक्रमणकारियों को रोका। इसके बाद डीएफओ सहित 50 वन कर्मियों को जंगल में जाने से रोका, साथ ही कार्यवाही करने से रोकने का मामला सामने आया है। दरअसल अवैध वन कटाई और अतिक्रमण का कार्य हो रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बुरहानपुर से है, जहां पर नावरा क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अतिक्रमणकारियों को रोका। इसके बाद डीएफओ सहित 50 वनकर्मियों को जंगल में जाने से रोका गया, साथ ही कार्रवाई करने से रोकने का मामला सामने आया है। अधिक जानकारी के साथ गोपाल जुड़ गए हैं, सहयोगी गोपाल, क्या है पूरा मामला? हमारे सहयोगी से संपर्क करने की हम कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला बुरहानपुर से सामने आया, जहां जिले के नावरा क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अतिक्रमणकारियों को रोका। इसके बाद डीएफओ सहित 50 वन कर्मियों को जंगल में जाने से रोक दिया गया, साथ ही कार्रवाई करने से रोकने का मामला भी सामने आया। दरअसल अवैध वन कटाई और अतिक्रमण का कार्य हो रहा है। ये पूरा मामला बुरहानपुर से सामने आया है, जहां पर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने पर वन विभाग का अमला ही रोक दिया गया। यहां पर डीएफओ सहित 50 वन कर्मियों को जंगल में जाने से रोक दिया गया, साथ ही कार्रवाई करने से रोकने का मामला भी सामने आया। दरअसल अवैध वन कटाई और अतिक्रमण का कार्य यहां पर हो रहा है। बुरहानपुर जिले के नावरा क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अतिक्रमणकारियों को रोका। इसके बाद डीएफओ सहित 50 वन कर्मियों को जंगल में जाने से रोक दिया गया। दरअसल अवैध वन कटाई और अतिक्रमण का कार्य यहां पर हो रहा है। इसके बाद से डीएफओ सहित 50 वन कर्मियों को जंगल में जाने से रोक दिया गया।